हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। के आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि हम कुछ स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उनके इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग होगा तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में हम पैरेलल में स्प्रिंग्स को कनेक्ट करेंगे, उनके इक्विवेलेंट हम एक स्प्रिंग को लगाएंगे, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स मतलब स्प्रिंग्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उसके इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग लगाएंगे, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लो ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार से एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मान लो K1 है, ठीक है, इस स्प्रिंग से एक दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है इस स्प्रिंग के सीरीज में, एंड टू एंड सीरीज होता है ना, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मान लो K2 है, ठीक है, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास है m और ये स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है, तो हमें इन दोनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग लगाएंगे, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करेंगे के इक्विवेलेंट। अब तो देखो ये केवल दो स्प्रिंग है सीरीज में, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले दो स्प्रिंग के लिए पढ़ेंगे, सिमिलरली तीन स्प्रिंग के लिए हो जाएगा, चार स्प्रिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो जब स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो उन स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट हम एक स्प्रिंग लगाएंगे, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इक्विवेलेंट वो क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग मान लो नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, दोनों नेचुरल लेंथ पोजीशन में, ठीक है, दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को थोड़ा सा इस तरफ खींच के ले जाऊंगा, ठीक है, और फिर छोड़ दूंगा, तो ये ब्लॉक एस एच एम परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन, ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा पकड़ के ले गया, मतलब इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया, मान लो एक्स डिस्प्लेस किया, तो देखो ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएंगे, जैसा कि दिखाई दे रहा है पहले वाला स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट हो चुका है, ये दूसरे वाला स्प्रिंग भी इलोंगेट हो जाएगा, तो देख सकते हो दूसरे वाले स्प्रिंग की भी लंबाई बढ़ गई, मतलब ये स्प्रिंग भी इलोंगेट हो गया, ठीक है, मतलब मैं इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के इस तरफ ले गया, कितना डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में एक्स, ठीक है, ये तो क्या थी नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन, सही है, इस ब्लॉक को मैं ऐसे पकड़ के इस डायरेक्शन में ले गया, कितना डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर, तो ये स्प्रिंग भी इलोंगेट हो जाएगा और ये स्प्रिंग भी इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आई एक्स वन, इस पहले स्प्रिंग में इलोंगेशन आई एक्स वन, ठीक है, और दूसरे स्प्रिंग में इलोंगेशन आई मान लो एक्स टू, दूसरे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पोजीशन में ये लंबाई थी, अब ये दूसरा स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, तो कितनी इलोंगेशन आई दूसरे स्प्रिंग में, एक्स टू इलोंगेशन आई, ठीक है। तो अब देखो मैं इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में कितनी दूर लेके गया हूं, एक्स डिस्टेंस दूर, तो ये स्प्रिंग भी इलोंगेट होगा, ये भी होगा जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू वो एक्स के बराबर होगा ऑब्वियसली,
इस स्प्रिंग में इलोंगेशन प्लस इस स्प्रिंग में इलोंगेशन, वो किसके बराबर होगा? x के बराबर। तो मतलब x1 वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, ये मान लो कोई B पॉइंट है, ठीक है। अब देखो मासलेस स्प्रिंग है ना ये दोनों, अब मासलेस स्प्रिंग्स को यूज करते हैं। तो मासलेस स्प्रिंग है तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों स्प्रिंग मासलेस है तो ये पार्ट भी क्या होगा, मासलेस होगा। तो मास जीरो, तो इसका मतलब नेट फोर्स इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना भी, इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब देखो ये स्प्रिंग इलोंगेशन में आ चुका है, कितनी इलोंगेशन आई, एक्स वन। तो इस पॉइंट पे इस स्प्रिंग के द्वारा ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा के वन एक्स वन। और अब देखो इस स्प्रिंग में भी इलोंगेशन आ चुकी है, कितनी, एक्स टू। तो ये स्प्रिंग इस पॉइंट पे ऐसे स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा के टू एक्स टू, बिल्कुल सही है। तो अब देखो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई, एक्स टू। और ये ब्लॉक तो इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे इस स्प्रिंग के द्वारा फोर्स आएगा ऐसे, कितना, के टू एक्स टू, ठीक है। मासलेस स्प्रिंग है दोनों, तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब के वन एक्स वन शुड बी इक्वल टू के टू एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू एक्स, के वन एक्स वन इज इक्वल टू के टू एक्स टू। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दो अननोन कौन से, एक्स वन और एक्स टू। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स वन की वैल्यू ये क्या आएगी, एक्स वन की वैल्यू के टू एक्स डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, और एक्स टू की वैल्यू के वन एक्स डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए x1 और x2 की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो अब देखो इस ब्लॉक पे जो फोर्स आएगा इस स्प्रिंग के द्वारा आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक तो इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो इस ब्लॉक पे इस स्प्रिंग के द्वारा फोर्स आएगा ऐसे के टू एक्स टू, ठीक है। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो इस ब्लॉक पे देखो नेट फोर्स वो क्या आया, ऐसे आया ना के टू एक्स टू, तो मतलब माइनस के टू एक्स टू, ठीक है। एक्स टू की ये वैल्यू के वन एक्स डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू यहां पे पुट कर दो, माइनस के टू इंटू में एक्स टू, के वन एक्स डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, सही है। तो अब देखो ये किसकी इक्वेशन आई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज इक्वल टू माइनस के इक्विवेलेंट एक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आई ना ये। तो यहां से के इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, K2 K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है। तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, ठीक है। मतलब देखो दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड थे, इन दोनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट मैं एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, यहां पे ये लगा दिया, इन दोनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट मैं एक स्प्रिंग लगा सकता हूं। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट, और वन बाय के इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू, ठीक है। तो मैं यहां पे जब इस ब्लॉक को थोड़ा सा खींच के रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन
वो क्या होगा 2 पाई इंटू में रूट एम बाई के इक्विलेंट, ठीक है। और के इक्विलेंट यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से या यहां से, बात एक ही है, ठीक है। तो मतलब ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे, ये दोनों स्प्रिंग इकट्ठे नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएंगे और दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन भी साइमल्टेनियसली आएगी, ठीक है। और दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन भी साइमल्टेनियसली आएगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है और ये कंप्रेस्ड है, ऐसा नहीं होगा। दोनों इलोंगेटेड होंगे या दोनों कंप्रेस्ड होंगे और दोनों नेचुरल लेंथ पोजीशन पे भी साइमल्टेनियसली आएंगे, ठीक है। और दोनों मैक्सिमम इलोंगेशन में भी साइमल्टेनियसली आएंगे और दोनों मैक्सिमम कंप्रेशन में भी साइमल्टेनियसली आएंगे, ठीक है। तो मान लो मैं इस ब्लॉक को इस तरफ कितना डिस्प्लेस करता हूं, कैपिटल ए, कैपिटल ए डिस्प्लेस करके रेस्ट से रिलीज कर दूंगा, तो ये ब्लॉक ए एम्पलीट्यूड का ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, अबाउट इट्स नेचुरल लेंथ मीन पोजिशन, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होगा 2 पाई इंटू में रूट एम बाई के इक्विलेंट। के इक्विलेंट कैसे निकाला जा सकता है, 1 बाई के इक्विलेंट इज इक्वल टू 1 बाई के 1 प्लस 1 बाई के 2। तो देखो जब ये ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा एक्सट्रीम पोजिशन पे, मीन पोजिशन से राइट की तरफ कितना ए डिस्टेंस दूर, तब दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम आएगी। इसमें कितनी इलोंगेशन आएगी मैक्सिमम, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितनी इलोंगेशन आएगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, मान लो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स नोट वन आएगी, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स नोट टू आएगी, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स नोट वन, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स नोट टू। वो कब आएगी, जब ये ब्लॉक यहां पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा मेन पोजीशन से राइट की तरफ कितना ए डिस्टेंस दूर, तब इन दोनों स्प्रिंग्स में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी एक्स नोट वन एक्स नोट टू। एक्स नोट वन एक्स नोट टू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, के वन एक्स नोट वन इज इक्वल टू के टू एक्स नोट टू, और एक्स नोट वन प्लस एक्स नोट टू ये किसके बराबर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम के बराबर। तो बस यहां से एक्स नोट वन और एक्स नोट टू इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक्स नोट वन की वैल्यू क्या आएगी, के टू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। एक्स नोट टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, के वन कैपिटल ए डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। और जब ये ब्लॉक यहां पे नेचुरल लेंथ मीन पोजिशन से लेफ्ट की तरफ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ कितना कैपिटल ए डिस्टेंस दूर, तो इन दोनों स्प्रिंग्स में कंप्रेशन आएगी मैक्सिमम। एक्स नोट वन कंप्रेशन इस स्प्रिंग में आएगी मैक्सिमम, और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी एक्स नोट टू, ठीक है। एक्स नोट वन की वैल्यू क्या होगी, अगेन वही के टू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। एक्स नोट टू की वैल्यू के वन कैपिटल ए डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। तो कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, अब उसकी बात करते हैं। फाइनल कॉन्क्लूजन क्या निकला, अब हम उसकी बात करेंगे। जब स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो उन स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग लगाया जा सकता है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के इक्विवेलेंट। मतलब देखो यहां पे स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के वन
इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के टू, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के थ्री। मान लो तीन ही स्प्रिंग है, वैसे चार भी हो सकते हैं पांच भी, ठीक है। और ये एम मास का ब्लॉक, ये नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन, यहां पे ये तीनों स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। तो अब देखो, और ये स्मूथ ग्राउंड है, ये भी जान रहे, इन तीनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट में एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, एक स्प्रिंग लगा सकते हो आप इन तीनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट। मान लो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट, और वन बाय के इक्विवेलेंट ये किसके बराबर आएगा, वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू प्लस वन बाय के थ्री, ठीक है। ऐसे चार स्प्रिंग होते तो वन बाय के इक्विवेलेंट क्या हो जाता, वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू प्लस वन बाय के थ्री प्लस वन बाय के फोर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में। जो स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड है उनके इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग लगा सकता हूं मैं यहां पे, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हुआ, के इक्विवेलेंट, वो यहां से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा ही यहां पे है, मान लो एक स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट के वन, एक स्प्रिंग ये है स्प्रिंग कांस्टेंट के टू, सीरीज में है, ठीक है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, और ये एम मास का ब्लॉक, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दूं तो ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट ए मीन पोजिशन, ठीक है। तो मैं इन दो स्प्रिंग के इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, ये लगा दिया। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हुआ, के इक्विवेलेंट, और यहां पे वन बाय के इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू। मतलब देखो, सीरीज में होने चाहिए स्प्रिंग्स, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है। तो जो स्प्रिंग्स सीरीज में हैं उनके इक्विवेलेंट में जो एक स्प्रिंग अप्लाई करने जा रहा हूं, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे यहां पे तीन स्प्रिंग होते, पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के वन, दूसरे का के टू, तीसरे का के थ्री, और फिर एम मास का ब्लॉक होता, ठीक है। मतलब तीनों स्प्रिंग सीरीज में, और फिर मैं उस ब्लॉक को छोड़ता तो वो ऑब्वियसली ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता। तो उन तीन स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग लगा देता मैं, उस इकलौते स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट वो यहां से निकालता, वन बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू प्लस वन बाय के थ्री, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एस एच एम वो क्या हो जाएगा, टू पाई इंटू माई रूट एम बाय के इक्विवेलेंट, सही बात है, बिल्कुल, ठीक है। तो जब स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हो उनके इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग लगाना हो तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कुछ स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, उन स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट में एक स्प्रिंग लगाऊंगा, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट वो क्या होगा वो फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। मान लो ये दीवार है, ठीक है, और ये स्मूथ ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड,
एक मासलेस स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट के वन, एक मासलेस स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट के टू, और एक मासलेस स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट के थ्री। तो देख सकते हो ये तीनों स्प्रिंग्स पैरेलल में हैं और ये एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तीनों स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, तो ये इस ब्लॉक की मीन पोजीशन हो जाएगी, नेचुरल लेंथ पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँगा और छोड़ दूंगा, तो ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ दिस ब्लॉक वो फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे फाइंड आउट हो पाएगा, जब मैं इन तीन स्प्रिंग के इक्विलेंट एक स्प्रिंग फाइंड आउट कर पाऊंगा, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विलेंट वो फाइंड आउट कर पाऊंगा, तभी इस ब्लॉक के SHM का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ऐसे कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन आ जाएगी और तीनों स्प्रिंग में इलोंगेशन बराबर बराबर आएगी। तो देख सकते हो तीनों स्प्रिंग्स इक्वली इलोंगेट हो गए, तीनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन बराबर आएगी, ठीक है। और ये मेरा एम मास का ब्लॉक, ये तो थी मेरी नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को इस तरफ थोड़ा सा सरका दिया, वैसे कितना भी हो सकता है, कितना भी सरका सकते हो, एक्स डिस्टेंस इस तरफ ले गया मैं इस ब्लॉक को, ठीक है। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो तीनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन बराबर आएगी, कितनी, एक्स एक्स एक्स, इन तीनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन जैसा कि दिखाई दे रहा है सेम है और आएगी भी सेम एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो इस स्प्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स ऐसे आएगा के वन एक्स, इस स्प्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक पे ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा के टू एक्स, इस स्प्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक पे ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा के थ्री एक्स, सही बात है। तो अब देखो इस पोजीशन पे ब्लॉक पे नेट फोर्स वो कितना आया, माइनस के वन एक्स माइनस के टू एक्स माइनस के थ्री एक्स, ठीक है। तो यहां पे माइनस को कॉमन ले लो और एक्स को भी कॉमन ले लो, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हो, माइनस के इक्विलेंट इनटू मैक्स। तो देखो इस ब्लॉक पे इस पोजीशन पे नेट फोर्स इतना आया है माइनस के इक्विलेंट एक्स, तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, तो के इक्विलेंट वो कितना आया, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, ठीक है। मतलब मैं इन तीनों स्प्रिंग के इक्विलेंट एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विलेंट वो क्या हुआ, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, ठीक है। ये लगा दिया, इन तीनों स्प्रिंग के इक्विलेंट मैंने यहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हुआ, के इक्विलेंट इज इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। मान लो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, तो ये ब्लॉक की मीन पोजीशन हो जाएगी, नेचुरल लेंथ पोजीशन, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो क्या आएगा, टू पाई इंटू में रूट एम बाय के इक्विलेंट, और के इक्विलेंट क्या हुआ, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। जब स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे हों तो उन स्प्रिंग्स के इक्विलेंट एक स्प्रिंग लगाना हो तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विलेंट वो क्या हो जाएगा, k
K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे, इन तीनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम आएगी, ठीक है, तीनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम आएगी ना, ऑब्वियसली यहां से समझ सकते हो। तो जब ये ब्लॉक रफ्तार कम होती होती यहां पे आएगा एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, मेन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ कैपिटल ए डिस्टेंस दूर, मतलब मान लो इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड ऑफ SHM कैपिटल ए है, यहां पे आया एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे ये ब्लॉक है, तो इन तीनों स्प्रिंग्स में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी और वो सेम आएगी कैपिटल ए। और ये जब ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा मेन पोजीशन से राइट की तरफ कैपिटल ए डिस्टेंस दूर, तो तीनों स्प्रिंग्स में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी कैपिटल ए के बराबर, ठीक है। तो मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, एक स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग ये है और ये तीसरा स्प्रिंग, वैसे तीन भी हो सकते हैं स्प्रिंग्स पैरेलल में, चार भी, दो भी हो सकते हैं, पांच छह कितने भी हो सकते हैं, और ये एम मास का ब्लॉक है, प्लैंक भी बोल सकते हो, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3। तो जब मैं इस प्लैंक को या इस ब्लॉक को यहां से रेस्ट रिलीज करूंगा तो ये मेरा प्लैंक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट मेन पोजिशन, ठीक है। तो यहां पे मैं इन तीनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो क्या होगा, 2π √M/K इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जब स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उन स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग लगाना चाहते हो, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल वो आ जाएगा, सीधा ऐड कर दो K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। ऐसे चार स्प्रिंग हो तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। और अब देखो एक और अच्छा केस है जो कि पैरेलल के ही इक्विवेलेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। मान लो ये दीवार है, ठीक है, और ये मेरा स्मूथ ग्राउंड है, एक मासलेस स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और ये ब्लॉक, ब्लॉक का मास M और एक ये मासलेस स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2। मान लो ये दोनों स्प्रिंग इस पोजीशन में नेचुरल लेंथ पोजीशन में है तो ये इस ब्लॉक की मीन पोजीशन हो जाएगी, मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन, ठीक है। तो अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, वैसे कितना भी कर सकते हो, ठीक है, और फिर छोड़ दूं तो ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो कैसे फाइंड आउट करूं, तो आप कर ही दीजिए, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए इस ब्लॉक को, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, कोई भी बता सकता है। तो देख सकते हो ये स्प्रिंग मैंने यहां पे थोड़ा सा इलोंगेट दिखाया है, ठीक है, और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा जैसा कि दिखाई भी दे रहा है, महसूस भी हो रहा है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। ये थी ब्लॉक की नेचुरल लेंथ या मेन पोजिशन। अब इस ब्लॉक को मैंने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, वैसे कितना भी डिस्प्लेस कर सकते हो, एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है।
इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो इस पोजीशन पे, इस ब्लॉक पे कौन से फोर्स आएंगे? एक तो mg, नॉर्मल रिएक्शन भी mg के बराबर आएगा। और देखो ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तो इस इलोंगेटेड स्प्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स आएगा k1x। मतलब देखो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x आएगी, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन x ही आएगी, ठीक है। किसी एक सूरत हालात पे ये इलोंगेटेड होगा, ये कंप्रेस्ड होगा, या ये इलोंगेटेड होगा, ये कंप्रेस्ड होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा देखने को मिले कि दोनों कंप्रेस्ड हैं या दोनों इलोंगेटेड हैं, ठीक है। एक कंप्रेस्ड होगा, दूसरा इलोंगेटेड होगा। ये कंप्रेस्ड होगा तो ये इलोंगेटेड होगा, या दोनों नेचुरल लेंथ पोजीशन में भी हो सकते हैं जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन पे आएगा एक मोमेंट के लिए, ठीक है। तो देखो इस पोजीशन पे, इस ब्लॉक पे, इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग के द्वारा ऐसे फोर्स आएगा कितना, k2x। तो इस पोजीशन पे, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स वो कितना आया, माइनस k1x माइनस k2x। तो यहां पे माइनस और x को कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2। तो इसको माइनस k इक्विवेलेंट x के बराबर पुट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो देखो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में नहीं है, लेकिन एक तरीके से यहां पे ये पैरेलल वाला ही केस है, क्योंकि देखो k इक्विवेलेंट ये कितना है, k1 प्लस k2, ये तो पैरेलल वाला ही केस लग रहा है, केवल लग रहा है, वैसे ये दोनों पैरेलल में है नहीं, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो क्या हो जाएगा, 2π√m/k इक्विवेलेंट कितना, k1 प्लस k2, ठीक है। तो जब आप इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे, मान लो ए डिस्प्लेस किया कैपिटल ए और रेस्ट रिलीज कर दिया, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ये ब्लॉक इस एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे होगा तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी, मैक्सिमम कंप्रेशन कैपिटल ए, और इस स्प्रिंग में तब इलोंगेशन आएगी, मैक्सिमम इलोंगेशन कैपिटल ए, ठीक है। तो ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी, एक्सलरेशन कम होगा, फिर ऐसे आएगा, रफ्तार घटेगी, रिटार्डेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, मेन पोजीशन से कितना लेफ्ट की तरफ, कैपिटल ए, तब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी कैपिटल ए, और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी कैपिटल ए, ठीक है। तो अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, बस फॉर्मूले याद रखो और कुछ नहीं करना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला याद रखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अब हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, और एक दीवार यहां पे है, ठीक है, और यहां पे ये एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का या स्मॉल एम मास का, कैपिटल एम हो स्मॉल एम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्प्रिंग ये है मासलेस स्प्रिंग और दूसरा मासलेस स्प्रिंग ये है, ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, देख सकते हो। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, इस स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, और एक ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k, और एक स्प्रिंग ये है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा और छोड़ दूंगा, तो ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ
या मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करूं? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बस फॉर्मूले अप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखो ये मेरा ब्लॉक, नेचुरल लेंथ या मेन पोजीशन, मतलब जब ये सारे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होंगे तो वो ब्लॉक की मेन पोजीशन हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये दोनों स्प्रिंग, ये दोनों देखो सीरीज में हैं, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, ये लगा दिया। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वो क्या होगा, मान लो K1 होगा, तो 1/K1 किसके बराबर आएगा, 1/2K प्लस 1/2K, मतलब 2/2K या 1/K। तो K1 कितना आ गया, K, सही बात है। एक स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 3K। तो अब देखो ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक स्प्रिंग लगा सकता हूं। उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा मान लो K2, तो K2 किसके बराबर आएगा, K प्लस 3K मतलब 4K, मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट में अब केवल एक स्प्रिंग लगा सकता हूं मैं यहां पे। उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K2 इक्वल टू 4K, ये लगा दिया, ठीक है। और एक स्प्रिंग यहां पे कनेक्टेड है, सही बात है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये एक तरह से पैरेलल का केस है, ठीक है। तो अब इन दोनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट में एक तरह से एक स्प्रिंग अप्लाई कर सकता हूं, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K3 वो क्या होगा, 4K प्लस K मतलब 5K। तो फाइनली मैं केवल एक स्प्रिंग पे आ गया, मतलब ये पूरा किसके इक्विवेलेंट, एक तरह से यहां पे दीवार वैसे बोल सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक स्प्रिंग लगा दिया मैंने, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना 5K, और ये मेरा ब्लॉक, ठीक है, नेचुरल लेंथ मेन पोजीशन। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM, अब देखो ये पूरा सिस्टम है ना इसके इक्विवेलेंट है, ऐसा मैं कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है कहने में, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो क्या हो जाएगा, 2π × में √M / में 5K, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगेन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के ऊपर ही बेस्ड है। सेकंड न्यूमेरिकल, तो देखो इस सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये छत है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल g गिवन है, एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, ठीक है, और ये क्या है, मासलेस प्लेट, ठीक है, मासलेस प्लेट है ये, ठीक है, और एक स्प्रिंग यहां पे कनेक्टेड है, और यहां पे फाइनली एक ब्लॉक कनेक्टेड है M मास का। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 2K, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, ठीक है, और ये ध्यान रहे मासलेस प्लेट है, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ दूंगा, रेस्ट रिलीज कर दूंगा, तो ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा,
अबाउट इट्स मीन पोजिशन, मीन पोजिशन कुछ यहां पे आएगी, ठीक है। ये क्या होगी एक्सट्रीम पोजिशन, जहां पे मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, मतलब यहां पे ये इस पोजिशन पे तीनों स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ पोजिशन में है। तो एक तो ये एक्सट्रीम पोजिशन होगी और ये क्या होगी मीन पोजिशन, जहां पे ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी मैक्सिमम, और एक एक्सट्रीम पोजिशन ये होगी, ठीक है। अगेन जहां पे मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो मेरा ब्लॉक कुछ ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ये फाइंड आउट करना है। तो बस सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले अप्लाई करने और कुछ नहीं करना। तो अब देखो ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक स्प्रिंग लगा सकता हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा 2K + K 3K, क्योंकि पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। फिर यहां पे मासलेस प्लेट है, वो लगाओ या ना लगाओ मर्जी है, लेकिन यहां पे मासलेस प्लेट लगानी जरूरी है, क्योंकि यहां पर इन रियलिटी दो स्प्रिंग्स हैं पैरेलल में, ठीक है। यहां पे मासलेस प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, ठीक है। और फाइनली यहां पे मेरा एम मास का ब्लॉक। तो अब देखो ये दोनों स्प्रिंग्स सीरीज में हो गए, इन दोनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट में एक स्प्रिंग अप्लाई करूंगा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा K इक्विवेलेंट। अब सीरीज में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3K प्लस 1/3K। तो यहां से के इक्विवेलेंट ये कितना आ गया 3K/2, ठीक है। तो इन दोनों स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट मैं एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, यहां पे ये लगा दिया। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3K/2। इस ब्लॉक को रेस्ट रिलीज करूंगा तो ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कुछ यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, क्योंकि ये क्या है नेचुरल लेंथ पोजीशन है इस स्प्रिंग की मान लो, और इस ब्लॉक को रेस्ट रिलीज किया, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन तो ये होगी और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कुछ यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो क्या हुआ 2π × √M/K इक्विवेलेंट विच इज 3K/2, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है ना एक तरह से इसके इक्विवेलेंट है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें क्या गिवन है, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड से दो मासलेस स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, ठीक है, आइडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग्स। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी कैपिटल के, दोनों आइडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग है, ठीक है। और यहां पे एक 12 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पे दोनों मासलेस स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो इस ब्लॉक को आप जब रेस्ट से रिलीज करोगे ना, रेस्ट से रिलीज करोगे तो ये ब्लॉक कुछ ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो मतलब यहां पे कुछ मेन पोजीशन आएगी और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी, तो ये ब्लॉक कुछ ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM यहां पे कैपिटल टी
ये कितना गिवन है, डेढ़ सेकंड, ठीक है। तो के की वैल्यू बताओ फर्स्ट पार्ट में, और इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखो अगेन वही है, दोनों आइडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग, बिल्कुल यही के यही, ठीक है, वही के वही मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, और ये 12 केजी का ब्लॉक, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पे एम मास का ब्लॉक रख दिया, ठीक है, और अब इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया। मान लो ये दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, तो एक तो एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी, अब इसको रेस्ट से रिलीज किया तो मेन पोजीशन कुछ यहाँ पे आएगी और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कुछ यहाँ पे आएगी, तो ये दोनों इकट्ठे ऐसा गिवन है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ऐसे। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM टी डैश, ये 3 सेकंड गिवन है, अगर ऐसा है तो M की वैल्यू बताओ वो कितनी होगी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इसी न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, क्या पहले कैपिटल K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों के इक्विवेलेंट मैं यहां पे एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, इन दोनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट केवल एक स्प्रिंग लगा सकता हूं, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K प्लस K 2K, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना ये, और ये 12 केजी का ब्लॉक, ठीक है। मान लो ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है और इस ब्लॉक को ऐसे रेस्ट से रिलीज कर दिया, ये ब्लॉक इसे कनेक्टेड है इस स्प्रिंग से, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ये हो जाएगी, मेन पोजीशन ये होगी जब रफ्तार मैक्सिमम होगी ब्लॉक की, और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये हो जाएगी, तो ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM कैपिटल T, ये डेढ़ सेकंड गिवन है, ये कितना आएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला 2π इंटू में रूट m 12 डिवाइडेड बाय 2k। तो यहां से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये कितनी आएगी 105.36 न्यूटन पर मीटर, k की वैल्यू निकल गई, सही है। तो यहां पे भी देखो इसके सेकंड पार्ट में दोनों स्प्रिंग वही है, ठीक है, तो इन दोनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट में एक स्प्रिंग अप्लाई कर सकता हूं, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 2k, k प्लस k 2k, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, और k कितना आया 105.36, तो 2k कितना हो जाएगा 2 इंटू में 105.36, सही बात है। और यहाँ पे ऐसे 12 केजी का ब्लॉक, 12 केजी ब्लॉक के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया स्मॉल m मास का, ठीक है, और मान लो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है और इस सिस्टम को ऐसे रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ही हो जाएगी दोनों ब्लॉक्स के, और कुछ यहाँ पे मेन पोजीशन होगी और यहाँ पे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो ये सिस्टम ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM टी डैश, ये 3 सेकंड गिवन है, ये क्या होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला 2π इंटू में रूट m, मास कितना हो जाएगा 12 प्लस m डिवाइडेड बाय दिस 2k, मतलब 2 इंटू में 105.36, ठीक है। तो यहां से आप स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी 36 केजी, तो ये मेरा आंसर हो गया।